तो दोस्तों, नया लड़का है जो जेसीबी सीख रहा है। देख सकते हैं इतना स्टेबल नहीं चला पाता है, पर अभी नया नया है तो कुछ दिन में ये सीख जाएगा। और देख सकते हैं इसका आज फर्स्ट दिन है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे जेसीबी को चला पा रहा है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को शूट करने में। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी नया ड्राइवर है तो उतना स्टेबल कार्य नहीं कर पा रहा है, पर देख सकते हैं कुछ ऐसे आपको कार्य करना होता है जेसीबी में। और इसमें बहुत ही ज़्यादा डर भी होता है, इसका बूम अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो थोड़ा दिक्कत भी होता है, झटका देता है गाड़ी को। तो दोस्तों, आप लोगों को जेसीबी सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि आपको जेसीबी कैसे सीखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे आपको, यहाँ पे नया ड्राइवर है, इसको मैं सिखा रहा हूँ। आज पहला दिन है इसका जेसीबी सीखने का और ये कार्य कर पा रहा है। इसका हाथ जो है वो उतना बैठा हुआ नहीं है अभी, तो उतना स्टेबल कार्य नहीं कर पा रहा है, इसको थोड़ा दिन लगेगा हाथ को जमाने में। जो इसका स्टिक होता है लीवर को कंट्रोल करने के लिए, इसका हाथ जो होता है वो प्रॉपर नहीं बैठा है, तो अभी ये इसको लगेगा कुछ दिन सीखने में। और ये इसका फर्स्ट दिन है, देख सकते हो कार्य कर पा रहा है ठीक ठाक। तो दोस्तों, नया ड्राइवर के साथ कभी अनहोनी ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, जेसीबी को थोड़ा धीरे वर्क करना है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से अगर आप इसका लीवर को कंट्रोल करना चाहोगे तो आप शुरू में फर्स्ट में नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, लीवर को आराम से कंट्रोल करना है, बूम को आराम से कंट्रोल करना है। देख सकते हैं, और ये हमारा न्यू ड्राइवर है, इसको अभी सीखना है 1 मंथ में, पूरा प्रॉपर इसको सीखना है चलाना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग कर रहा है, जो यहाँ पे अभी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अगर ज़ोर से लगी गाड़ी को, ट्रैक्टर गाड़ी को, तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी है चलाना जेसीबी को, कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, देख सकते हो।